obsessed with you? Yes. Yes. और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई इसने फालतू कपड़े पहने, इसके इतने व्यूज आ रहे हैं, एक हिपोक्रेसी वाला सवाल तुम लोग से ही मुझे पूछना है। तुम साड़ी वगैरह में पहने हुए किसी लड़की को देखते हो रील पर, तुम कब लाइक कर देते हो? तुम अगर देखते हो किसी को कपड़े पहने हुए ढंग का, क्या तुम लाइक करते हो? किसी को सही टैलेंट वाले इंसान को देखते हो, क्या तुम उसे लाइक करते हो? सच्चे दिल से बताना भाई। तो लोग ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई, तुम्हारी सोच उन्हें पता है कि तुम क्या चीज प्रमोट करोगे, तुम क्या चीज पे अटेंशन दोगे, तुम क्या चीज पे उन्हें रिटेंशन दोगे, तुम क्या चीज पे व्यूज दोगे, लाइक्स दोगे। एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, फायदा उनका होगा, भले ही तुम उन्हें गालियां दो या अप्रिशिएट करो। बहन रही हूँ वो तो बाय चांस वो वीडियो वायरल हो गई, फेमस होने के इससे बेटर बहुत तरीके हैं, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। तुम अगर इस दीदी को नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक अच्छे लड़के हो भाई। अगर तुम इस दीदी को नहीं जानते हो तो या तो तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, बाकी अगर तुम जानते हो तो ये एक वायरल दीदी है जिनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया था कुछ टाइम पहले, और बहुत कम लोगों को मैंने इस पे बात करते देखा है। तो चलो हम देखते हैं जरा कि ये दीदी क्या करती है। देखो कोई भी कैसे भी कपड़े पहने उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पर एक तरीका, जगह और एक टाइम होता है। देखो कोई भी चीज करने का एक तरीका, जगह और एक टाइम हमेशा होता है। एक चीज और भी है, अगर इस तरीके से अगर हम बोल दे सबकी फ्रीडम, अगर हम छोड़ दे, अगर हम ऐसा बोले, ऑफकोर्स अगर हम टेक्निकली देखें तो ये कहीं भी कुछ भी गलत नहीं कर रही है, लेकिन अगर ऐसा ही हर इंसान करने लग गया, कल को मैं भी नंगा सड़क पर चल जाऊं फिर बोलूं ये तो मेरा फ्रीडम है, अब अगर किसी और को मतलब ऐसा ऑब्सीन फील हो रहा है या किसी और को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उससे क्या हुआ, उससे थोड़ी मैं कोई थोड़ी उसका राइट हिंडर कर रहा हूं, मैं तो अपना राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं अपने राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस करने के चक्कर में किसी और दूसरे इंसान को ऑब्सीन फील नहीं करा सकता, मैं अपना राइट ऑफ फ्रीडम के चक्कर में पब्लिक में ऑब्सीनिटी नहीं कर सकता हूं, मैं अपना राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस करने के चक्कर में पब्लिक में दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल फील नहीं करा सकता हूं, मैं अपना राइट ऑफ फ्रीडम एक्सप्रेस करने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा ये जाने बगैर अपने एक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं। ये थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझना पड़ेगा। गाली देके, ट्रोल करके, हंसी मजाक करके ये मतलब करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, पर एक्चुअल में क्या हम बात कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। एक चीज है, बहुत टाइम पहले 2021 या 22 के टाइम पर, 21 के टाइम पर शायद, एक MLA है, उनका भी सेम काइंड ऑफ वीडियो आउट हुआ था। हमने क्या इस तरीके से रिएक्ट किया? तब कहां थे ये लोग जो इक्वालिटी की बात करते हैं, तब कहां थे ये लोग जो बोलते हैं कि हाँ ठीक है जो इन चीजें लड़के कर सकते हैं वो चीजें लड़कियां भी कर सकती है। ऑफकोर्स मैं हर चीज के उसमें रहता हूं, और कोई भी आज की डेट में, कोई भी अगर हम लोग आज की डेट में देखें तो हमारा देश ऐसा बन गया है कि हमें किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई सब अपनी जिंदगी में बिजी हैं। लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर मोरल्स एंड सोसाइटी नाम की एक चीज होती है जो शायद लोगों को आज नहीं पता और लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। एक चीज मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है कि इनको सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। मतलब एक बात बताओ, कहीं पे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, सीरियसली बड़े बड़े कांड, तुम आर्टिकल्स जाके देख सकते हो, रेप हो जाएंगे, मर्डर्स हो जाएंगे, बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे हैं, इन न्यूज रिपोर्टर्स को वो सब कवर नहीं करना, इन चैनल्स को वो सब कवर नहीं करना, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वो सब कवर नहीं कर रहे। इनको ये देखना है कि कौन कच्ची बनियान पहनकर सड़क पे घूम रहा है। दादा वाह, Why, Dada? Why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. सीरियसली ये एक नेशनल इशू है, इसको ऐसा बना दिया गया है कि पता नहीं क्या होगा, कितनी बड़ी चीज हो गई। और एक चीज मैं बता रहा हूं, हम खुद इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, हम खुद अगर हम इग्नोरेंस करना स्टार्ट कर दे, अगर हम इन चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, अगर इन चीजों को हम उतनी अटेंशन ही ना दे जितनी अटेंशन लोग दे देते हैं तो ये चीजें बढ़ेंगी नहीं। वो एक चीज याद रखना, लोग जो सोचते हैं ना कि ये बेवकूफ है, उर्फी जावेद बेवकूफ है, ऐसी तरीके की चीजें जो लड़के वगैरह भी करते हैं वो बेवकूफ है, भाई वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। सेम मैं बोलना चाहूंगा व्लॉगर्स हो गए, कुछ भी होगा, ये लोग बहुत स्मार्ट हैं। इनको पता है भाई कि ऐसी चीजें करेंगे तो हम रेलिवेंट बने रहेंगे, ऐसी चीजें करेंगे तो हम जो है वो फेम में बने रहेंगे, ऐसी चीजें करेंगे तो हम जो है वो कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरे रहेंगे। और आज के टाइम पर यही चीजें कर करके लोग ऊपर जाते हैं, ये करते करते कुछ टाइम बाद ये लड़की इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, कुछ टाइम बाद इसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, उसके बाद इसे प्रमोशंस मिलने लग जाएंगी, उसके बाद कोई भी अलता भलता शो इसको मिल जाएगा, और तुम इसे खुद अपने हाथों से बना दोगे एक एक्टर, एक मॉडल और न जाने क्या क्या जो अपने बायो में लिख देगी। भाई ये कितनी बड़ी उपाधि है ना, वायरल डेली मेट्रो गर्ल।
ऐसा ही होता आता है, ऐसा ही चला आ रहा है। और इसने पता है क्या, इससे और इससे पता है क्या होगा, एक टैलेंटेड एक्टर एक टैलेंटेड मॉडल की जगह खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अब इंडस्ट्री में भी यही सारी चीजें चाहिए। तुम उठा के देख लो ना, स्प्लिट्स वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, आज के डेट में वहां पर किस टाइप के लोग आते हैं, वही कुछ सालों पहले के अगर एपिसोड उठा के देखें तो वहां पर कैसे लोग आते थे, और आज देखो कौन जा रहा है और स्पेशल गेस्ट बन के। नो गॉड प्लीज नो नो। अगर तुमने एक भी एपिसोड देखा अभी रिसेंट वाले सीजन का तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। वहां पर उर्फी जावेद को एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया जा रहा था, मिर्ची ये वो मिसचिफ मेकर ये वो करके। मैंने बहुत अच्छा खासा देखा है इस वीडियो बनाने से पहले कि किस तरीके से लोग जो है वो इन लोगों को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से अटेंशन मिलती है और किस तरीके से ये एस्केलेट होती है चीजें। पहले अगर जाके देखे तो इन दीदी ने भी बहुत अच्छे खासे कंटेंट बना रखा है, नॉर्मल मतलब बहुत अच्छा खासा मतलब नॉर्मल, जैसा अगर लोगों के हिसाब से अगर बोले तो ढंग के कपड़े एंड ऑल दैट, बट इनको दिख गया कि ये चीजें नहीं है। और क्लियरली मैं बोल रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है, अब लोगों के ओपिनियंस जो है वो मैच नहीं हो सकते, क्लियरली दिख रहा है कि उर्वी जावेद से इंस्पायर्ड है, लेकिन ये क्या कह रही है, अरे फेम कमाने के तो और भी बहुत तरीके हैं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकती थी, तो करा क्यों नहीं दीदी यही चीज करके। सब ऑफकोर्स पता है यार, लोग उल्टी सीधी चीजें क्यों करते हैं, ये जो मोटो व्लॉगर्स ही हैं आज के डेट के, वो पब्लिक में रेव बॉम्ब क्यों करते हैं, ताकि उन्हें पता है कि वो मोटरसाइकिल रेव करेंगे तो लोग उन्हें देखेंगे, वहां से उन्हें अटेंशन मिलेगा और मिलेंगे व्यूज, तो इन्हें पता है कि वो ऐसी चीजें करेंगी तो लोग उन्हें देखेंगे और कोई ना कोई तो वायरल कर ही देगा। ये सारी चीजें काफी स्ट्रेटेजिक होती है, और तुम्हें लगता है कि ये लोग तो बेवकूफ है, ओ माय गॉड, तुम हंसते रह जाते हो और ये लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अगर हम इन चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देना तो ऐसी चीजें हो ही ना। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान कुछ भी पहने, उसकी अपनी राइट, उसका अपनी जिंदगी, उसका अपना मन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभद्रता को प्रमोट करो। अभद्रता और फ्रीडम, आजादी और अभद्रता, इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है, काफी ज्यादा फर्क जो है वो एक्चुअल में जिनकी सोच छोटी होती है ना, उनको नहीं समझ में आता। तो मैंने चाहा तो था कि इनको रोस्ट करूंगा या कुछ करूंगा, बट मेरे को था कि मेरे को सीरियस इस टॉपिक पर बात करनी थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी। जरूर कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी, और एक्चुअल में वो तुम्हारे हाथ में यार, कि तुम इन चीजों को प्रमोट करना चाहते हो, तुम ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहते हो, या एक्चुअल में टैलेंटेड मॉडल सिंगर एक्टर इस इंसान को प्रमोट करना चाहते हो। हमेशा चॉइस तुम्हारे हाथ में होती है।